मैं फुलवारी शरीफ पटना बिहार के हमारे साथी आमिर को याद करना चाहूंगी, जिनकी सीए के विरोध करने पे बजरंग दल के और आरएसएस के गुंडों ने हत्या कर दी। मैं उनको सलाम करना चाहूंगी, उनके परिवार को हिम्मत देना चाहूंगी। मैं दिल्ली से आप सबके बीच में छात्रों की तरफ से आपके संघर्ष को सलाम करने के लिए आई हूं। आपको ये कहने के लिए आई हूं कि आप सब लोगों ने बिहार की माओ ने और बहनों ने हम सभी को एक नया रास्ता दिखाया है। मुझसे पहले भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि मुसलमान औरतें बड़ी दबी कुचली हैं, हमेशा घरों के अंदर बंद रहती हैं। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूं, एक बार शाहीन बाग जाकर देखो, बस एक बार पटना सब्जी बाग में जाकर देखो, बस एक बार लखनऊ के घंटाघर पे जाकर देखो, और तुमको मालूम पड़ेगा जब मुसलमान औरतें अपने पे आती हैं तो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि इस पूरे मुल्क की राजनीति को पलट सकती हैं। ये उन्होंने करके दिखाया है। मैं एक और बात आपसे यह कहना चाहती हूं, परसों अमित शाह ने दिल्ली के अंदर एक बयान दिया, उन्होंने कहा दिल्ली वासियों से कि ईवीएम पे ऐसे बटन दबाइएगा कि जो करंट है वो शाहीन बाग तक जाए। ये अमित शाह ने कहा था, लेकिन हम भी दरभंगा में खड़े होके अमित शाह को कुछ कहना चाहते हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं, 11 फरवरी को दिल्ली की जनता ऐसे वोट करेगी कि तुमको करंट लगेगा। ये हम कहना चाहते हैं। और इस 11 तारीख के नतीजों के बाद इस साल के 11वें महीने के अंदर बिहार की जनता ऐसे वोट करेगी कि तुमको फिर से करंट लगेगा। ये हम कहना चाहते हैं। मुझसे अक्सर कहा जाता है कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आप तो एक सिख समुदाय से आते हैं, नागरिकता संशोधन कानून ने आपकी कौम का जिक्र कर दिया है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हमसे पूछा जाता है। मैं बस यही कहना चाहती हूं अमित शाह को कि एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका दिल श्रद्धालुओं के लिए बहुत धड़कता है। मुश्किल है मानना क्योंकि बहुत बड़ा झूठ है, लेकिन मान लेते हैं। तो आप 3 सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल कि अगर आप सारे जो लोग दबे कुचले हैं बाहर के मुल्क के हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए आपका दिल धड़कता था, तो आप ये बताइए कि नागरिकता संशोधन कानून लाने से पहले भी हमारे देश में उनको नागरिकता दी जाती थी, तो आप ये नया कानून क्यों लाए हैं? आप जवाब दीजिए। दूसरा सवाल कि अगर आपका दिल इतना ही धड़कता है तो पूरे विश्व में इस बात को कहा जाता है कि बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान पूरी दुनिया के सबसे पीड़ित कौम है, सबसे शोषित कौम है, तो आप जवाब दीजिए कि आप उनको इस कानून के अंदर क्यों जगह नहीं देते। और आखिरी में
आप ये बात को बताइए, किस कानून के अंदर आपने मुसलमानों को क्यों नहीं रखा? बस यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह ने कहा था, समझाया था कि पहले मैं नागरिकता संशोधन कानून ले आऊंगा क्रोनोलॉजी में, उसके बाद मैं पूरे देश के अंदर एनआरसी करूंगा। मजाल देखिए इनकी, हम ही लोगों से जो इस देश को बनाते हैं, अपने खून पसीने से इस देश को बनाया, हम ही लोगों से पूछ रहे हैं कि 70 साल पहले का कागज लेके आइए, जमीन के कागजात लेके आइए कि आप इसी देश के हैं या नहीं। मैं उनको ये बताना चाहती हूं, अमित शाह अगर आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, मेरे परिवार के लोग, मेरे पूर्वज आजादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ, तब रावल पंडित पंजाब से हिंदुस्तान के अंदर आए, सिर्फ एक ही वादे के चलते हिंदुस्तान में आए, ये कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जो नागरिकता देने के लिए धर्म नहीं पूछेगा, इसलिए आए थे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा जो कपड़े देख के नागरिकता नहीं देगा, इसलिए वो लोग आए थे। और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि कागज लेके आओ और कागजात दिखाओ कि तुम कब यहां पर पैदा हुए या तुम पैदा हुए भी नहीं, ये तुम्हारी मजाल है। हम उनको बस ये कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन शाहीनबाग से शुरू हुआ और अलग अलग जगह पे मुसलमान औरतें, माएं और बहनें लड़ रही हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, वो खुदगर्ज नहीं है, वो उन सब लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ रही हैं जो शायद मेरे जैसे परिवारों से हैं, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, वो उन सब के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, वो उन सब के लिए लड़ाई लड़ रही हैं जो एक गरीब परिवार से आता है, जो मजदूर है, जो अल्पसंख्यक है, जिसके पास प्रूफ करने का कोई भी और मकसद नहीं है, कोई प्रूफ करने का उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उन सब के लिए लड़ाई को लड़ा जा रहा है। इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको सलाम करते हैं। मैं एक और बात यहां पर कहना चाहती हूं जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कहना। आज लगातार न्यूज चैनल पे चलाया जा रहा है शाहीनबाग का मास्टरमाइंड ढूंढ के लाइए, कभी कह रहे हैं कि शाहीनबाग का मास्टरमाइंड ये है, कभी कह रहे हैं वो है। हम उनको कहना चाहते हैं कि इस देश के आवाम अपने दिल से इस देश के दिल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और सबसे पहले कतार में उसमें मुसलमान माएं और बहनें हैं। अगर ये तुमको मास्टरमाइंड लगता है तो यही मास्टरमाइंड सही। और एक और बात हम नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं, तुम कहते हो कि तुम 56 इंच के सीने वाले हो, हम तुमको बताना चाहते हैं कि हमको 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, हमें हमारे मुल्क में सिर्फ 1.5 इंच के दिल वाले इंसान चाहिए, जिसका 3.5 इंच का दिल पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए धड़कता हो, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। और कल से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली में एक और बात, बहुत दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा मुझे बहुत पसीना आता है और अपने पसीने से मैं अपने मुंह का मसाज करता हूं, जिससे मेरे मुंह पे बहुत नूर आता है, प्रधानमंत्री ने कहा।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूं, 130 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम अपने खून से इस हिंदुस्तान को सींचती है। अगर तुम कंपटीशन करना चाहते हो तो आप कर लो, हम भी दिखा देंगे, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा इतना पसीना बहाएगा कि तुम अपने मुंह की शक्ल, तो अपने शक्ल का रंग भूल जाओगे। यही हम कहना चाहते हैं, आओ करो कंपटीशन हिंदुस्तान से, आओ करो, 130 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम आज एक साथ खड़ी है। तुमने भले ही सोचा था, झारखंड के अंदर कहा था कपड़े देख के पहचान लेंगे कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, कौन लोग हिंसा फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा था। हम उनको कहना चाहते हैं, ये वही सोच है, ये वही सोच है जिसने दिल्ली के अंदर 84 के दंगों में पगड़ी और दाढ़ी देख के हमला कराया था। तुम्हारी वही सोच है, यही आरएसएस की सोच है। इसीलिए हम सीख चुके हैं, अब हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, अब हम लोग एक दूसरे के साथ देंगे। और अगर तुम कपड़े देख के पहचानना चाहते हो तो शाहीन बाग जाओ और देखो, सरदार भाई वहां लंगर लगा के खड़े हैं, साड़ी पहने हुए महिलाएं पहली कतार में बैठी हैं। हिम्मत है तो आओ देखो, आओ देखो, यही हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान किसी भी चीज के लिए जाना चाहेगा तो वो बस उसकी एकता है, अपना संविधान है जो बराबरी की बात करता है, जो हर मजहब के आदमी को बराबरी देता है, हर जेंडर के आदमी को, हर समुदाय के, हर कास्ट के आदमी को कहता है कि तुम इस देश के बराबर के नागरिक हो। और अगर तुम आरएसएस का वो हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणों का हिंदू राष्ट्र हम लोगों पे थोपना चाहते हो तो हम बस यही कहना चाहते हैं, हम लोग भगत सिंह के, बाबा साहेब अम्बेडकर के, अशफाकुल्ला खान के, बिस्मिल के, हम सब उनके वारिस हैं। और उस समय भी, उस समय इन लोगों ने सावरकर के, हिंदू महासभा के, उस समय हिंदू राष्ट्र को जब नहीं बनने दिया तो आज हम भी नहीं बनने देंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। एक और बात मैं यह कहना चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि बिहार के अंदर दरभंगा में खड़े हैं, 1970 में जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, बिहार के छात्र नौजवान उसमें सबसे आगे कतार में थे इमरजेंसी का विरोध करने के लिए, और बिहार ने हमें रास्ता दिखाया था। मैं बस यही विनती करना चाहती हूँ कि इस समय जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासन में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू है, तो मुझे यकीन है कि फिर से बिहार के नौजवान और छात्र और महिलाएं पूरे मुल्क को रास्ता दिखाएंगी, मुझे यकीन है। धन्यवाद। बस मैं एक और बात से, अगर समय बस एक और मिनट मिल जाए तो मैं बात खत्म करूंगी, वो यही है कि हर तानाशाह, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे जहां जहां भी तानाशाह के शासन है तो हर तानाशाह कभी ना कभी एक गलती करता है, एक ऐसी गलती जो हिटलर के भी संतुलन को गिरा देती है। और आज जितना बड़ा भी चाणक्य अमित शाह अपने आप को समझता हो, मैं अमित शाह से कहना चाहती हूं, ए अमित शाह सुन लो, तुमने वो गलती कर दी है, नागरिकता संशोधन कानून लाके तुमने गलती कर दी है। तुमने सोचा था जिस तरह से कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया,
और विरोध नहीं हुआ, तुम्हें लगा बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया और जनता चुप थी, तो तुम्हें लगा नागरिकता संशोधन कानून ले आएंगे। बस एमयू बोलेगा, बस जामिया बोलेगा और उसने पुलिस को घुसा के हमला करा के चुप करा देंगे, तुमने सोचा था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, एमयू की लड़कियों ने, जामिया की बहादुर लड़कियों ने और शाहीनबाग की औरतों ने कह दिया है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम डरने वाले नहीं है। और अब ये लड़ाई जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हो रही है, वो लड़ाई अब इस मुल्क को तुमसे बचाने के लिए और तुमसे आजाद कराने के लिए है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारी क्रोनोलॉजी भी सुन लीजिए अमित शाह, पहले तुम्हारा सीए जाएगा, फिर एनआरसी एनपीआर जाएगा और आखिरी में आरएसएस और भाजपा इस मुल्क से बाहर जाएगा। शुक्रिया इंकलाब जिंदाबाद।